सूरज की बीनड़ी वो आटा पिसवाने गई है भाभो। आपने कहा था ना मीना भाभी से, वो तो पिसवा के लाई नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं था भाभो। के हो रहे है? कुछ नहीं, कटे जा रही। छत से छलांग लगाने जा रही। क्या बात कर रही है? खुश ना हो, अभी बहुत साल आपकी छाती पर मूंग दलना बाकी है। मने अब ताना मार के जी ठंडा हो गया तो बता भी दे कटे जा रही है। सूरज के कमरे में जा रही हूँ, काम है मने। क्या काम है बाबू, मुझे बताओ ना, मैं वही जा रही हूँ। नहीं नहीं, वो बीनड़ी के बैंक के कागज वो रखने जा रही थी। वो झूठी बीनड़ी को बचाने के लिए सूरज की बीनड़ी हमारे पास ले आई थी तोड़वाने के लिए, फिर लेकर ही ना गई हमारे पास से। मीना, अब तेरे घर प्रवेश करना, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भाभी के आगे झुक जा। देख आजकल पूरे घर में और भाभों के दिल में सिर्फ भाभी का ही राज चले है। ये चीख भी आवे है ना उन्हें तो पुष्कर में सर्दी समझ के घर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं, और अगर गर्मी लगे तो घर की खिड़कियां यूं खुल जाती हैं। आज क्या कह रहे हो जी? मैं तो यही कहूंगा कि भाभी के आगे झुक जा, उन्हें पटा ले, तेरे लिए भी घर के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसा रास्ता बताने से तो अच्छा है मैं यही सड़ती रहूं, उस औरत के पाँव में गिर जाऊं जिसकी वजह से मैं घर से बाहर निकाली गई, मारे को सबके आगे नीचा दिखाया है। देख लो जी, कुछ हो जाए, चाहे पूरी जिंदगी भर यही भीख मांगनी पड़े, मांग लूंगी, लेकिन उसके पाँव ना पड़ूंगी। हाँ, मांग ले, भीख मांग ले, भीख मांग ले, पड़ी रहे अपनी मायके में फिर तू, और खिला गायों को भूसा अपनी माँ के साथ, तो अपने बाप की धोती और चोटियां मन अपनी बहन की, घमंड में रही पूरी जिंदगी, घमंड में यही पड़ी रहेगी भीख मांगती हुई, घमंडी औरत कहीं की। रे तेरी, वो देख। ये यहाँ कैसे आ गई? भैया आटा चक्की कहाँ है? ये रही आगे। रे तेरी, रे तू तो कह रही थी यहाँ पर कोई नहीं आता, भाभी साहब यहाँ पर क्या कर रही है? सुना नहीं क्या? गेहूँ पिसवाने आई है। रे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तेरे चक्कर में मुझे भी वनवास पर जाना पड़ेगा। ये लो भैया पैसे, तू निकल अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे काका, ये गेहूं पिसवाना था। आटा पिस जाएगा पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट। ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। यहाँ इंतजार करने से तो अच्छा है मैं भाभी को अपने रिजल्ट के बारे में बता दूँ, उन्हें जानकर बहुत खुशी होगी, वैसे भी मुझसे ज्यादा उन्हें मेरे रिजल्ट का इंतजार था। भाभी, मैं संध्या बोल रही हूँ। भाभी जल्दी से आप नेट पर आ जाइए ना। हाँ, बाकी सारी बातें वहीं करते हैं। Thank you.
कपूरता की दुकान। और सोना दोनों अच्छे हैं। वो तो आपके चेहरे की चमक देखकर ही लग रहा है। तू बता, तू कैसी है? भाभी, आज मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हाँ? तो बताना क्या हुआ। भाभी, मैं पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में थर्ड आई हूँ।